हे दोस्तों, ऑथर सुजैन अपनी बुक क्वाइट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करती हैं। वो बताती है कि एक बार क्या होता है कि क्लास में टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क देती हैं। वो अपने सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ के आने को बोलती हैं और फिर उन्हें ये भी बोलती है कि उस टॉपिक को पढ़ के आने के बाद आपको उस टॉपिक को पूरी क्लास को एक्सप्लेन करना होगा खड़े होके। नाउ नेक्स्ट डे सभी बच्चे अपने टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा होता है जो बाकी बच्चों की बातों को एकदम अच्छे से सुन रहा होता है, उनके नोट्स बना रहा होता है। पर जब उसका टर्न आता है, वो खड़ा होता है, बोलता है, मैंने ना अपने टॉपिक के बारे में पढ़ाई नहीं करी। न ये सुनकर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटती है, पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट करती है और फिर ये भी अनाउंस कर देती है कि जितने भी टॉपिक्स क्लासरूम में पढ़ाए गए हैं, कल उनके ऊपर एक रिटन टेस्ट होगा। नाउ नेक्स्ट डे जब सबका आंसर टेस्ट होता है, तो एक शॉकिंग सी चीज होती है। वो बच्चा जिसे टीचर ने डांटा होता है, वो सबसे पहले अपनी कॉपी को सबमिट करता है और जब टीचर इमीडिएटली उसका एग्जाम पेपर चेक करती है, तो सरप्राइजिंगली उसे फुल मार्क्स मिलते हैं। ना ये टीचर को ये बात काफी शॉकिंग लगती है और वो बच्चे से पूछती है, तुमने दिन रात पढ़ाई करी होगी ना? तो बच्चा बोलता है, नहीं मैम, मैंने तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ा। तो टीचर को और शॉक लगता है, वो पूछती है, फिर तुम्हारे फुल मार्क्स कैसे आ गए? तो बच्चा बोलता है, मैम, जब बाकी लोग अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से सुन रहा था और क्योंकि मैंने उनकी बातों को इतने अच्छे से सुना यहाँ वहाँ बात करने के बजाय, इसलिए वो मुझे टॉपिक याद भी हो गए। ना इसके बाद जब टीचर ने बाकी बच्चों के भी पेपर चेक करे और उनसे भी पूछा, तो टीचर को मालूम पड़ा कि सभी बच्चों ने 3 से 4 घंटे पढ़ाई करी थी, बट स्टिल उनके जो मार्क्स आए थे वो इस बच्चे के कंपैरेटिवली कम आए थे। ना ये स्टोरी दिखाती है कि साइलेंस रहने का पावर कितना ज्यादा हो सकता है अगर हम उसे अच्छे से यूज करें तो। आपको पता है, कई सारे लोगों को लगता है कि अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, तो हमें एक एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसे बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात करने आती है, बोलना आता है। जबकि सच तो यह है कि आपने खुद भी नोटिस करा होगा कि दुनिया के कई सारे सक्सेसफुल लोग, जैसे कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, ये सभी लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट बुलाते हैं, जिन्हें दूसरों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, ये लोग स्मार्ट भी बहुत है। तो इसका मतलब क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी इंट्रोवर्ट बन जाओ अगर आपको सक्सेसफुल बनना है? नहीं। वेल, इसके आंसर में ना बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में काफी अच्छा रिप्लाई किया था। उन्होंने कहा था, इफ यू आर क्लेवर, यू कैन लर्न टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट, व्हिच माइट बी लाइक बीइंग विलिंग टू गो ऑफ अ फ्यू डेज एंड थिंक अबाउट अ टफ प्रॉब्लम, रीड एवरी डे, पुश योरसेल्फ वेरी हार्ड टू थिंक आउट ऑफ द एज टू कम आउट फ्रॉम दैट एरिया, देन व्हेन यू कम अप विद अ सॉल्यूशन, यू बेटर लर्न व्हाट एक्सट्रोवर्ट्स डू और एल्स एटलीस्ट हायर सम एक्सट्रोवर्ट्स सो दैट यू कैन टैप इनटू बोथ सेट ऑफ स्किल्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में यही बोलना चाहते थे वो, कि आप इंट्रोवर्ट बनने के भी फायदे उठाओ, प्रॉब्लम्स आ रहे तो उसका सलूशन ढूंढो और एक्सट्रोवर्ट की भी स्किल्स को अक्वायर करो, ताकि इन दोनों का यूज करके आप लाइफ में आगे बढ़ सको। नाउ इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको इंट्रोवर्ट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। वो 5 स्पेसिफिक चीजें बताने वाला हूं जो इंट्रोवर्ट बनके आप हासिल कर सकते हो। और ये बताने के लिए मैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक इस बुक की हेल्प और द क्वाइट बाय सुजैन, इन बुक की बातें आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस मैं आपको वो 4 स्पेसिफिक सिचुएशंस भी बताऊंगा जिसके अंदर जब अगर आप जाते हो तब आपका साइलेंट रहना काफी अच्छा होगा और आपको साइलेंट रहना भी चाहिए। कब आपको साइलेंस का यूज करना चाहिए, कब नहीं, ये सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए एंड तक जरूर देखना। और ऐसी इंटरेस्टिंग बातें फ्री में सीखते रहना या बिना बुक पढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाना। अभी स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट बताने के लिए मैं किंग ऑफ फ्रांस लुईस द 14 की स्टोरी आपको बताने वाला हूं। द ग्रेट लुईस, जिन्होंने फ्रांस पे टोटल 72 इयर्स एंड 110 डेज राज करा, उनके जिंदा रहते हुए कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया था। इनफैक्ट उन्होंने लॉन्गेस्ट मोनार्की इन अ सॉवरेन कंट्री का भी रिकॉर्ड बनाया था। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वो अपने टाइम के बहुत पावरफुल इंसान थे। बट क्या आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो किंग लुईस थे ना, वो एक काफी क्वाइट और शाय गाय थे पर्सनैलिटी के हिसाब से। और सच बोलूं तो यही चीज उनको काफी पावरफुल भी बनाती थी। उनका साइलेंट नेचर उनके आसपास के लोगों को डरा के रखता था। उनके एडवाइजर्स और कंपेनियंस उन्हें जब भी कोई बैड न्यूज देते थे तो लोग बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैसा रिएक्शन मिलने वाला है। जब भी कोई उन्हें आके कोई बैड न्यूज सुनाता था तो वो बस बोलते थे, आई शैल सी, कि मैं देखूंगा, और कुछ देर तक साइलेंट ही रहते थे। और ये चीज लोगों को काफी डरा के रखता था। उनके आसपास वाले लोग प्लस उनके दुश्मन भी ये सारी चीजों से काफी डरते थे, क्योंकि वो कम बात करते थे, इसलिए उनके बारे में काफी कम नॉलेज थी लोगों को कि वो कैसा इंसान है, उनकी स्ट्रेटेजीज कैसे टाइप की हो सकती है, क्या होना है क्या नहीं। और उनका ये साइलेंस आप बोल सकते हो उनके पावर की फाउंडेशन थी। जहाँ कई बार जो दूसरे किंग्स होते थे वो लोग बहुत बातें करते थे और कई बार अपनी स्ट्रैटेजीज भी ऐसी लोगों के सामने बोल देते थे, जबकि जो लुईस द 14 थे वो हमेशा शांत रहना पसंद करते थे और अपने दिल की बातें कई बार अपने तक ही रखते थे। और इसी शायद आपने भी नोटिस करी होगी। देखो, अगर दो लोग होंगे, एक बंदा जो हमेशा बहुत ज्यादा बातें करता है, कुछ ना कुछ हमेशा बोलता रहता है, आप नोटिस करो उसको, और वहीं दूसरी तरफ एक बंदा है जो बहुत कम बोलता है, कि जब भी वो बंदा जो कम बोलता है
और बस कभी कभी बोलता है, लोग देखना उसकी बात को ज्यादा इंटरेस्टिंगली सुनेंगे और उसे ज्यादा पावरफुल समझेंगे कंपेयर टू उस बंदे के जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अपना मजाक बनवाता रहता है खूब सारी फालतू चीजें बोल के। इसलिए पहला लेसन यही है कि साइलेंस आपको पावरफुल दिखाने में काफी हेल्प कर सकता है। सेकंड फायदा जो साइलेंस से आपको मिल सकता है वो अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं। आप सब ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो सुना ही होगा कि वो कितने ज्यादा जीनियस थे, बट क्या आपको ये भी पता है कि वो एक इंट्रोवर्ट भी थे जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते थे। और वो बताते हैं ना कि उनके इस क्रिएटिविटी माइंड का रीजन भी यही था कि वो एक क्वाइट लाइफ जीते थे। आइंस्टाइन का एक बहुत ही अंडररेटेड कोट भी है कि द मोनोटोनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिम्युलेट्स द क्रिएटिव माइंड। और यही चीज ऑथर भी बोलती है कि जो लोग सॉलिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिन्हें हमेशा ग्रुप में काम करना पसंद होता है, जो कोलैबोरेट करना ज्यादा पसंद करते हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव काम में नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म तो करते हैं, बट कई बार वो लोग अपने ग्रुप और अपने एनवायरमेंट में ही लिमिट हो जाते हैं और जो सब कर रहे होते हैं वो उसी चीजों को लिमिट बनाते हैं, उसी पेस के अकॉर्डिंग काम कर पाते हैं। जबकि कई बार जो लोग अकेले होते हैं वो लोग ऐसी ऐसी लिमिट को पुश कर देते हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना सकती है। इसलिए सेकंड फायदा यही है कि कई बार साइलेंस आपको एक क्रिएटिव इंसान बनाने में भी हेल्प कर सकता है। क्यों, देखो जब आप साइलेंट रहते हो तब अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हो, अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं निकाले हैं। थर्ड लेसन के लिए हम ऑथर का एग्जांपल लेते हैं। एक बार ऑथर एक डिनर पार्टी में गई थी जहां वो किसी नए इंसान से मिली। ना वो उस नए इंसान को नहीं जानती थी, बट स्टिल उन्होंने उनसे बात करना स्टार्ट किया। ना बात खत्म होने के बाद क्या हुआ पता है, जब वो नया बंदा पार्टी के होस्ट के पास गया तो उसने कहा कि सुजैन वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशनलिस्ट है, मतलब बात करने में वो बहुत अच्छी लगी उनको। जबकि इंटरेस्टिंग बात क्या थी पता है आपको, कि सुजैन ने ना उनसे हार्डली कुछ बात करी थी, वो तो बस एक्टिवली उनकी बातों को ज्यादा सुन रही थी और बस कुछ कुछ बातें बोल रही थी जो उस इंसान को और ज्यादा बात करने में हेल्प कर रहा था। मोर देन 95% टाइम सामने वाले इंसान ने बात किया था और हार्डली सुजैन ने कुछ बातें करी थी। और ये चीज इंसानों में होती है, आप देखना इंसानों को ना अपने बारे में बहुत ज्यादा बात करना पसंद होता है, और जब आप उनको ये चीज करने में अनेबल कर देते हो, मतलब लोगों को अपने बारे में ही बात करने देते हो और उन्हें अच्छे से सुनते हो, तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें सुने और समझे, जबकि बहुत कम लोग ही ये चीज़ को करते हैं। इसलिए थर्ड फायदा यही है कि कई बार साइलेंट रहना आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनने में हेल्प कर सकता है, आपको लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प कर सकता है और आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। नेक्स्ट लेसन है, इट विल हेल्प यू लर्न टू रीड पीपल। देखो साइकोलॉजी के कई सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन में जो बातें हम करते हैं, जो बात एग्जैक्टली हम बोलते हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बस 7% होता है, जबकि 38% ये चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप उस बात को किस तरीके से बोल रहे हो, और 55% डिपेंड करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। और साइंस के अकॉर्डिंग जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पाते हैं। जहाँ ज़्यादातर लोग बस अपनी बातें करने लग जाते हैं, अपनी बातों में ही पूरा फोकस रखते हैं, वहीं साइलेंट रहने वाले लोग दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। नाउ इससे रिलेटेड एक बुक भी है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, व्हाट एवरी बॉडी इज सेइंग। उसके अंदर एक्स एफबीआई एजेंट्स यही बोलते हैं कि कई बार वो लोग ना साइलेंट रह के बस अच्छे से ना लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पकड़ते थे, उनके टोन को, और उनका साइलेंट रह के ये सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना ही कई बार उनको हेल्प कर देता था क्रिमिनल्स को पकड़ने में, बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने में। इसी लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है साइलेंट रहने का, कि अगर आप साइलेंट रहते हो तो दूसरों को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ सकते हो, जिससे कई बार आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला सच भी बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि कोई जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्टेड है। ऐसी कई सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो अगर आप साइलेंट रहने के पावर को यूज करते हो। तो लास्ट पॉइंट आता है वो फोर सिचुएशंस का, जब आपको क्वाइट रहना चाहिए उसके बारे में। देखो मॉन्ग्स का एक आश्रम था जिसके अंदर एक स्टूडेंट था जो हमेशा बहुत ज्यादा बातें करता था। वो एक ऐसा बच्चा था जिसको हर बारे में कुछ ना कुछ बोलना होता था, अपना ज्ञान देना होता था, चाहे कोई उसे पूछे या ना पूछे, हर चीज के बारे में वो अपनी राय रखता था। जब भी कोई उसे बात करने आता, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता, तो वो बिना उनकी पूरी बात सुने बस अपनी सलाह देने लग जाता। और यही रीजन था जिसकी वजह से कई बार आश्रम के जो लोग थे ना वो उसे इतना पसंद नहीं करते थे, उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे, और कई बार लोग उसके पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो परेशान था। और इसी चीज से रिलेटेड बात करने के लिए फिर वो अपने टीचर के पास जाता है। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने मॉन्क गुरु के साथ शेयर करी, जिसके बाद टीचर ने भी उसको समझाया, जिसे फिर अच्छे से सुनने के बाद, पूरी बात सुनने के बाद, वो टीचर ने उसे बताया कि देखो बेटा, ज्यादा बोलने वाले इंसानों को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, जबकि कम बोलने वाले इंसानों को लगता है कि उन्हें सब कुछ नहीं पता, और जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए वो बोलते कम है और सुनते ज्यादा है। असलियत में उसी इंसान की ज्यादा रिस्पेक्ट भी होती है जो ये जानते हैं कि उन्हें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। टीचर ने ये भी कहा कि देखो मैं तुमको अभी एक दिन में तो बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको ऐसी 4 सिचुएशंस बता सकता हूँ जब तुम्हारा चुप रहना बहुत अच्छा होगा, ताकि एटलीस्ट तुम इस टाइम पे तो कम बोलो। कौन सी है वो 4 चीजें? वेल, पहली वो सिचुएशन है व्हेन यू फील नो वन कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। देखो दुनिया में ना मैक्सिमम लोगों को ना इससे पढ़ी ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है,
कई बार जब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो तो आधा से ज्यादा लोगों को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो सिर्फ सुनेंगे और हाँ करके खत्म करेंगे। जबकि कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे जिनको आपकी प्रॉब्लम सुन के और अच्छा लगेगा, जो ऊपर ऊपर से तो आपको सिंपथी दिखाएंगे लेकिन अंदर से वो आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर खुश हो रहे रहेंगे। इसलिए बेटर ये है ना कि हम लोग ना बहुत ज्यादा जल्दी इमोशनल होके अपना दुख दर्द हर इंसान के साथ शेयर ना करें, एटलीस्ट उन लोगों के साथ ना शेयर करें जो हमारी बातें सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और दूसरी तरफ ये बात भी देखो सही है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बिजी रहता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी मदद कर भी नहीं सकता है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, हम लोग हमेशा अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। हम सबकी लाइफ में अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम लड़ रहे होते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे इंसान मत बनो जो हर किसी को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स और नेगेटिव बातें सुना रहा है, और सिर्फ उन लोगों के साथ ही अपनी बातें शेयर करो जो आपके करीब है, जो सच में आपको समझता है और जो सच में आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है। जबकि कोई भी ऐसा इंसान जो इंटरेस्टेड नहीं है आपका, उनके सामने तो चुप रहना बेटर है। नेक्स्ट सिचुएशन है, व्हेन यू डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन देन डोंट स्प्रेड हाफ नॉलेज। मैंने एक ऐसा फनी सी स्टोरी देखा था कि एक आदमी रहता है जिसे पायलट बनने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, तो उसको ना एक पायलट की बुक मिल जाती है जिसके अंदर पूरी चीज़ सिखाई गई रहती है कि कैसे आपको प्लेन को उड़ाना है। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसको समझ में आता है कि यार प्लेन उड़ाना सीख गया, बस बात खत्म। तो वो सारी बुक को लेता है, पढ़ता है बहुत अच्छे से, काफ़ी टाइम लगाता है, इन्वेस्ट करता है और वो बुक की बात सीख जाता है कि प्लेन कैसे उड़ाना है। तो एक दिन उसको मौका मिलता है प्लेन उड़ाने का, क्योंकि वो वहीं एयरपोर्ट पर काम कर रहा होता है। तो एक प्लेन को लेता है और उड़ाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उड़ाना स्टार्ट करता है वो प्लेन अच्छे से उड़ा तो लेता है, लेकिन जब बात लैंडिंग की आती है तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि यार मैंने लैंडिंग के बारे में तो चीज़ें सीखा ही नहीं। बेसिकली वो हाफ नॉलेज लेके ही पायलट बनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। ना ये थोड़ी एक्सट्रीम स्टोरी है, थोड़ी फनी सी स्टोरी है, लेकिन इसका लेसन यही था कि कई बार हाफ नॉलेज जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है आपके लिए। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में सिर्फ आधी नॉलेज है, हमें पूरी नॉलेज नहीं है, तो हमें वो टाइम पे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा लोगों को कि अगर थोड़ी बहुत बातें भी सीख जाते हैं एक दो वीडियो देख के, तो लोग डॉक्टर बन जाते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। जबकि वो लोग कई बार हाफ नॉलेज लेके गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं जो सामने वाला इंसान का बुरा कर देता है। इसलिए ऐसे टाइम पे अगर कोई सिचुएशन, कोई बात चल रही है जिसके अंदर आपको पूरी नॉलेज नहीं है, हाफ नॉलेज है, तो वो टाइम पे तो आपका चुप रहना ही बेटर है। और देखो, हाफ नॉलेज की प्रॉब्लम को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए हमने अपना OVB भी स्टार्ट किया था, ऑनलाइन वीडियो बुक्स प्लेटफॉर्म। बिकॉज देखो, मुझे पता है कि कई बार जो 10-15 मिनट की समरीज होती है उसके अंदर आपको हाफ नॉलेज ही मिल पाती है, पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है जो ऑथर सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमने क्या किया कि हम लोग फुल बुक समरी बनाते हैं, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर समरी बनाते हैं, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके, आप पूरा ज्ञान ले सको जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा अच्छे से चीज़ों को अप्लाई करने में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। OVB की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो जाके ले सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो फॉर्मेट में आप पूरी बुक को इजीली कंज्यूम कर सकते हो, हर हफ्ते बुक खत्म कर सकते हो एकदम इजीली, ऐसे वीडियोस देख के जैसे आप देख रहे हो, तो उसे भी जरूर चेकआउट करो। नाउ वापस कमिंग बैक टू वीडियो, नेक्स्ट सिचुएशन जिसके अंदर मॉक ने चुप रहने कहा वो है अवॉइड बीइंग अ पार्ट ऑफ बैक बाइटिंग। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ही सोचो, आप एक इंसान के साथ बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन फिर आपको कहीं से मालूम पड़ता है कि यार वो जो इंसान है ना वो आपके पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा था किसी और इंसान से, तो आप बताओ आपको वो इंसान कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? वेल ऑब्वियसली आपको वो इंसान ज़रा भी पसंद नहीं आएगा, आप उसके रिस्पेक्ट करना भी बंद कर दोगे, वो आपकी नज़रों में गिर जाएगा। इसलिए मॉन्क ने ये भी कहा कि जब भी कोई ये ना बिचिंग कर रहा होता है, आप बोल सकते हो गॉसिप्स कर रहा होता है, पीठ पीछे लोगों की बुराई कर रहा होता है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में तो यूजुअली रहना ही नहीं चाहिए, आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, या फिर उतना ना हो सके तो एटलीस्ट आपको उस सिचुएशन में चुप रहना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको एज एन इंडिविजुअल एक अच्छा इंसान बनने में भी हेल्प करेगी, आपके पीस ऑफ माइंड में भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और एक कहावत भी है इसके ऊपर कि व्हेन द बुल फाइट्स द क्रॉप सफर्स, कि अगर आप बुराई के बीच में रहोगे, झगड़े वगड़े के बीच में रहोगे ना, तो ना चाहते हुए भी आपका नुकसान हो ही जाएगा। इसलिए उन सिचुएशन से दूर रहो, या एटलीस्ट साइलेंस रखो। कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट कुछ बुरा भी मत बोलो दूसरों के बारे में। लास्ट सिचुएशन जिसके अंदर आपको चुप रहना चाहिए वो है व्हेन समवन इज थ्रोइंग देयर एंगर टू यू। आपने भी कई बार देखा होगा कि अगर एक इंसान एक बहुत गुस्से से, नफरत से किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर वो सामने वाला इंसान भी गुस्सा हो जाता है, कुछ बोलना चालू कर देता है, तो झगड़ा होता है, वो सिचुएशन होता है, वो खराब से और खराब होने लगती है, और कई बार वो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जबकि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है और सामने वाला इंसान देखना एकदम चुप ही रहता है, कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, उसके बाद देखो मैंने वीडियो भी देखा था बीच में कभी, तो कि ना दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, जहाँ पे एक है ना इंसान बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ बोल रहा था, और दूसरा इंसान जो था ना वो एकदम शांत रह के चुपचाप सुन रहा था, और पूरे कमेंट सेक्शन में ना जो लोग थे ना जो सिंपथाइज कर रहे थे वो उसी इंसान के साथ कर रहे थे जो एकदम शांत था, चुपचाप बैठा हुआ था। ना हो सकता है, और ऐसा हुआ होता भी है बहुत बार, कि गलती है ना वो चुप रहने वाले इंसान की ही थी, बट स्टिल जो लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं ना, वो लोग है ना बहुत
ज्यादा नेगेटिव दिख के आते हैं उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए अगर कोई अच्छी सिचुएशन आती है जिसके अंदर कोई आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, वो टाइम पे आपका भी झगड़ा करने से बेटर ये है कि आप साइलेंस का रास्ता चुनो, जिससे कि वो झगड़ा का जो एस्केलेशन है वो भी कम हो जाएगा। कुछ टाइम बाद वो खुद ही अपना भड़ास निकाल के चुप हो जाएगा या चुप हो जाएगी और झगड़ा बढ़ेगा नहीं। प्लस जो आपका मैच्योरिटी है वो भी ज्यादा अच्छे से दिख के आएगी, जो लोगों को अट्रैक्टिव लगेगी, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए ये सिचुएशन में भी जब कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तब आपके लिए शांत रहना काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नाउ ये थी बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इंट्रोवर्ट्स में होती है, साइलेंट का पावर जो दिखाती है, जिसका यूज आपको भी करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ऐसी ही बुक्स की अमेजिंग बातें सीखते रहना चाहते हो फ्री में, तो अगेन सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन जरूर दबाना। और अगर आपको ओवीबी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर जरूर चेकआउट करो सब्सक्रिप्शन। हम न्यू बुक्स उसके अंदर ऐड करते रहते हैं, जिससे आप बहुत ईजिली ऐसे ही वीडियो फॉर्मेट में पूरी बुक्स को खत्म कर सकते हो फुल नॉलेज लेते हुए। हाँ, अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो लोग साइलेंट रहते हैं, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि वो कितने पावरफुल है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा पकपक करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके साथ भी शेयर कर देना कि यार थोड़ा तो कभी कभी चुप हो जाए कर, ये साइलेंट रहने का पावर समझ ले थोड़ा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।